जी गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल, मुझे मकान चाहिए रेंट पे, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई मकान दिखाई नहीं देता। हाँ, नई कॉलोनी है, लोग आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहे हैं। अगर कोई मकान हो तो आप मुझे बताएंगे प्लीज। मकान? हाँ, एक मकान तो है ये। कहिए तो मैं आपको दिखा दूँ। जी बिल्कुल दिखा दीजिए अंकल। अभी कुछ साल पहले इस कोठी के ओनर किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं। फिलहाल ये मेरे पास है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। आइए मैं आपको दिखाई देता हूँ। कई साल से बंद पड़ी है, साफ सफाई करनी पड़ी। मुझे ये मकान पसंद है, आप एडवांस बताएं, फिर मुझे मार्केट से जाके कुछ किस्म का सामान भी लाना होगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वो अपना सारा सामान यहीं छोड़ गए हैं। हाँ, इसका रेंट 15,000 रुपये मंथली और 50,000 डिपॉजिट देना होगा। ठीक अंकल, मेरी तरफ से डन है, मैं शाम को आपको पेमेंट दे जाऊंगा। ठीक है। हाँ एनी, पहुंच गया हूँ। और एक गुड न्यूज है, मकान मिल गया है, और वो भी सामान के साथ। हाँ हाँ, ले आऊंगा, कुछ दिन तो अकेला छोड़ दो, मंडे से ज्वाइन करूंगा। चलो यार, अब बोर मत करो, मैं रखता हूँ, ठीक है? अभी सफाई भी करनी है। चलो ओके। अरे थक गए यार, ये काये भी रखनी पड़ेगी। चलो चाय वगैरह पीते हैं।
मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? सॉरी, इतनी रात में मैंने आपको डिस्टर्ब किया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आपके घर के बाहर मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैंने कोशिश तो की है लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। मैंने मैकेनिक को फोन कर दिया है, वो बारिश बंद होने के बाद ही आएगा। अरे आप तो ठंड से कांप रही हैं, आइए अंदर आइए। आपको सर्दी लग जाएगी, मेरे पास मेरे कुछ कपड़े हैं, अंदर जाके चेंज कर लीजिए आप। आपके घर में कोई लेडी नहीं है? नहीं, ये मैंने आज ही रेंट पे लिया है। आपकी पैंट तो मुझे आई नहीं, ये शर्ट कुछ लूज थी तो मैंने यही पहन ली। इसके दो बटन भी टूटे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आप अनमैरिड हैं या मैरिड? नो, जी अनमैरिड। वेरी गुड, मुझे बेलराम घोड़े बहुत पसंद है। ना कोई खींचने वाला, ना कोई रोकने वाला, बस दौड़ते चले जाओ, दौड़ते चले जाओ। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूँ। रुकिए, इस जिस्म को गर्म चाय नहीं बल्कि एक मर्द का जिस्म भी गर्म कर सकता है। ये क्या बोल रही हैं आप? कुछ नया नहीं बोल रही, ये वर्ड तो हम कालगर्ल को रोज ही बोलना पड़ता है। क्या मतलब, आप कालगर्ल हैं? जब हमें कोई कस्टमर कॉल नहीं करता तो हम खुद ही ढूंढ लेते हैं। चलो अब देर मत करो, रेस लगाते हैं, देखते हैं घोड़ा जीता है या सवार। लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बस निकालना पड़ेगा। तुम टेंशन मत लो, मुझे जितना चाहिए मैं अपनी पॉकेट में धीरे धीरे करके निकालूंगी। चलो अब देर मत करो।
से झूठ बोलकर उनको अपनी हवस का शिकार बना लेते हो, फिर उनके जिस्म को कुत्तों की तरह नोच डालते हो, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हो। अगर तूने आज झूठ ना बोला होता तो मेरे इंतकाम से बच जाता। तूने भी उस कुत्ते की तरह झूठ बोला है। क्या 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 झूठ बोला मैंने? यही कि तू अनमैरिड है, अब भुगत अपने झूठ का अंजाम। किसी की इज्जत के साथ।